सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का हुआ भव्य अनावरण। जी हां, पटेल चौक ग्राम धमना खुर्द टहरौली जिला झांसी में बुंदेलखंड कुर्मी क्षत्रिय कल्याण समिति के तत्वाधान में अखंड भारत के निर्माता भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा का अनावरण माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के मुख्य आतिथ्य में एवं श्रीमती रमा आर पी निरंजन MLC झांसी ललितपुर जालौन की अध्यक्षता में सम्पन्न किया गया। कार्यक्रम में माधवगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन, बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा, मऊरानीपुर विधायक बिहारी लाल आर्य, गरौठा विधायक जवाहर लाल राजपूत, केंद्रीय अध्यक्ष शिवशंकर पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष अपना दल S कालका प्रसाद पटेल, विजय निरंजन, पूर्व IAS RP निरंजन, अवधेश निरंजन, जिला अध्यक्ष जानकी प्रसाद, मुखिया संतोष पटेल, अरविंद पटेल, जगरूप सचान, हरिराम निरंजन, आल्हा प्रसाद पटेल, सुजान सिंह, जयराम निरंजन, अतुल निरंजन ललितपुर, रामदास पटेल, चंदन पटेल, महेंद्र पटेल मडगुआ, राम किशन निरंजन, डॉक्टर विक्रम पटेल, गुलाब पटेल, राजेंद्र पटेल, चंदन पटेल, नरेंद्र पटेल, डॉक्टर प्रताप सिंह, जयप्रकाश पटेल, धर्मपाल पटेल आदि लोग उपस्थित रहे। अंत में आभार कालका प्रसाद पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष अपना दल S ने एवं संचालन डॉक्टर BK निरंजन एवं विनोद निरंजन ने किया। झांसी से विक्रम पटेल की रिपोर्ट। चलने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज का है उसके द्वारा पटेल समाज के द्वारा मीटिंग हुई तो कहा गया कि एक बड़ा नेता आना चाहिए। वो आए और वर्तमान में पटेल समाज के नेता सतनदेव जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे पटेल जी के अनावरण आरपी निरंजन जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आकर कर महारानी लक्ष्मीबाई की समाज का कार्यक्रम है। पटेल समाज द्वारा ही स्वागत एवं वंदन करें। जो समिति है यहाँ पर, जो संगठन है, उसके द्वारा सरदार पटेल की एक भव्य मूर्ति का अनावरण करने का आज मुझे सौभाग्य मिला है। उसी के कार्यक्रम तहत मेरे को यहाँ आना है। सरदार पटेल का एक विराट स्वरूप, गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, समाज को सबको एक लेकर आगे चलने की उनके अंदर क्षमता थी और वो नेतृत्व करते थे। इसीलिए किसान आंदोलन में ही महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी थी। देश की एकता अखंडता को भी एक सूत्र में पिरोने का काम, बांधने का काम किसी ने किया था तो सरदार पटेल ने किया। आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद भी उनका संघर्ष ही, उनके जीवन में संघर्ष ही रहा। 47 में आज़ादी, 3 साल 1950 में चले गए और 3 साल में ही उन्होंने देश को एक सूत्र में बांध दिया था। सरदार पटेल का